जी आई अहमद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी मोमिन है सर, आप भी क्या, आप भी अभी पहले जैसी बहन आई थी उनकी तरह ही है? नहीं, फिलहाल तो मोमिनत में ही गिनती गिनोगे। क्या है? मोमिनीन में गिनती गिनोगे आप मुझे? अच्छा, मोमिन में ही गिनती गिनेंगे। ओके, एक मिनट रुको, जरा आपकी आवाज बढ़ा देता हूं मैं। ठीक है, क्यों आपको मोमिन की गिनती में लूं मैं? क्योंकि अल्लाह को एक मानना, मोहम्मद साहब को मानना ये अभी भी चला आ रहा है। ओके। नमाज वमाज पढ़ते थे आप? जी बिल्कुल, अभी भी पढ़ते हैं? पढ़ लेता हूँ कभी कभी। जोहर की कितनी रकात फर्ज होती है? चार 4 रकात। कैसे शुरू करते हैं नमाज? बस, किबले रुख खड़े होते हैं और नियत बांध लेते हैं। क्या नियत में क्या बांधते हैं, क्या पढ़ते हैं नियत में? सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये नियत तो नमाज से पहले बांधते हैं, ये जो आप दुआ बता रहे हैं, ये सना, ये तो नमाज शुरू होने के बाद पढ़ते हैं। जी, एक्चुअली क्या है, इसमें सबके अपने अपने मशवरे हैं। कोई कहता है कि भी जबान से, कोई कहता है दिल से, सबकी ओके नियत ठीक है। जी, है, सना के बाद क्या पढ़ते हैं? आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़ضूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। इसके बाद क्या पढ़ते हैं? कुछ भी पढ़ सकते हैं कुरान कोई की। एक सूरह सुना दे इसके बाद जो आप पढ़ते हैं। वतीनी वज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीम, और आगे है पूरी, आप जानते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो एक अच्छा मोमिन जुड़ा है जिसको कुछ आता है। और नॉर्मली तो मैं थोड़ा टेस्ट लेके छोड़ देता हूँ, लेकिन दीदी की वजह से अब मुझे थोड़ा ज्यादा टेस्ट लेना पड़ा। कोई मुश्किल नहीं। एक्चुअली क्या है, पीयू जी जो है ना, मैं सुन रहा था उन्हें, तो पीयू जी जो है वो एक्चुअली वो मुस्लिम है ही नहीं, क्योंकि नहीं जो ठीक है, उनका छोड़ उनके दीजिए, वो हमने बात कर ली है। जो ओके आप ये ओके बताइए कि अभी तक आप मोमिन क्यों हैं? भाई, एक बात तो ये है कि सारे मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, वो देखिए, कोई भी अगर कोई मोमिनत से खारिज होता है या बाहर होता है तो फिर उसे कोई ना कोई अपना घर चुनना पड़ेगा, समझ रहे? कोई घर खाली करा है तो कोई ना कोई घर तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वो कहाँ, कोई सपोर्ट तो मिलती नहीं कहीं से भी, तो सपोर्ट क्यों इस चाहिए? सपोर्ट यार सपोर्ट की बहुत बुनियाद चाहिए। पे मेरे प्यारे भाई, देखो एक चीज ये है कि आप जिस आइडियोलॉजी को मान रहे हैं वो गलत है, आपको मालूम पड़ गया। ठीक है, आप ये बोलोगे कि मुझे जब तक बाकी दूसरी आइडियोलॉजी वालों से सपोर्ट नहीं मिलेगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा या गलत नहीं मानूंगा, तो ये तो बहुत नॉनसेंसिकल चीज है। क्या सपोर्ट की उम्मीद रख रहे हैं आप? नहीं, मेरा इस माहौल में काम करना, इस समाज में रहना, अब उस समाज से बाहर होकर के अब मैं कैसे रहूं बताओ। मैं इतना तो कर सकता हूं कि भाई उसमें शक पैदा कर सकता हूं कि भाई ये जो है, ये चीजें गलत हैं, ये चीजें ऐसी हैं, और इसमें जो है अल्लाह ने इस तरीके से कहा है, तो इतना शक तो मैं पैदा कर सकता हूं, मगर मैं बाहर कैसे निकल सकता हूं ये बताइए। क्योंकि एक पूरा बहुत देखिए, दो चीजें बड़ा हैं जी। अहमद साहब, दो चीजें। एक तो ये है कि क्या आप वाकई में इस्लाम को गलत समझते हैं, रसूलुल्लाह को एक झूठा नबी या फिर फ्रॉड समझते हैं? मैं तो एक तो बहुत बड़ी कंफ्यूज ये है कि भाई जिस घराने में हम पैदा हुए हैं और जिस यकीन को हमने अपने मतलब अपने बुजुर्गों से और काफी मौलवियत में बैठे मौलाना लोगों के बीच में बैठे, तो उसकी वजह से जो है ना वो काफी कंफ्यूजन रहती है कि भाई ऐसा ये गलत है, तो फिर इतने अच्छे लोग भी हैं,
इसमें जो अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और उनको क्या कहते हैं, मदद भी करते हैं किसी भी एंगल मदद से, तो चाहे इंसान इंसान की करता है, वो तो हर रिलीजन वाले करते हैं, जो रिलीजन को नहीं मानता वो भी करता है, वो तो एक इंसानियत वाला पहलू होता है कि कोई भूखे को देख लिया खिला दिया, कोई किसी परेशान को देख लिया उसके परेशानी को दूर कर दिया, इसका इस्लाम सही होने से कोई लेना देना तो है नहीं। इस्लाम को हाँ। आप क्या समझते हैं, सही समझते हैं या गलत समझते हैं? जी, मैं एज ए इस्लाम को एक वो समझता हूँ कि भाई ये एक जीने का तरीका है, इसमें जो अच्छी बातें हैं वो ले ली जाएं और जो हाँ, है जो गलत गलत बातें उसे छोड़ दी जाए। तो क्या आप मानते और हैं कि इसमें गलत बातें हैं? हाँ, कुछ बातों को मैं मानता हूँ, इसमें कोई क्या क्या शक नहीं चीजें है। आपको लगती है कि गलत है? सेक्स स्लेव वगैरह जैसे आप लोगों ने ही काफी उजागर किया है, नहीं तो बहुत से लोग जानते भी नहीं थे। जैसे बीच में कभी किसी जमाने में मैं तबलीग जमात में भी गया, तो उसमें भी ये सुनता था कि ये हारून रशीद जो है, एक किस्सा है उसके उसमें जो है बांदी के बारे में आता था जिक्र, तो उसमें सबको सुबह तो होता था कि बांदी क्या है, तो वो हमें ये बता देते कि भाई ये नौकरियां और दासी नौकरानी और दासी हुआ करती थी, तो इनका जो है ये रोल हुआ करता था। और आप लोगों ने इसको स्पष्ट किया है, साफ किया है कि भाई ये एक सेक्स स्लेव होती थी, इनके साथ में जो है जैसे मर्जी रहा जा सकता है बिना निकाह के, तो ये सारी चीजें आप लोगों से सुनने को मिलती हैं। कभी वैसे मौलवी लोग कभी नहीं बयान करते। अच्छा, सेक्स और लेवरी के अलावा और क्या चीजें गलत लगती है आपको? सेक्स डिलीवरी गलत लगती है, और दूसरी बात अनसाइंटिफिक बातें जैसे आप लोग अभी बात कर रहे थे डिस्कस, कि भाई पहाड़ का गाड़, वो साहब आए हुए थे एक नौसाद साहब, वो कह रहे थे भी पहाड़ों को गाड़ दिया गया, तो ये सब मैंने जो फिर कुछ गालिब साहब को सुना तो उसमें भी वो अनसाइट मतलब साइंस के हिसाब से वो फिट नहीं बैठ रही है। मगर क्या, क्योंकि इस तरीके से बयान किया जाता है कि भी आप लोगों को इससे ज्यादा चूं चर्रा नहीं करनी है और चुपचाप आप जो है अच्छी बातों को फॉलो करते रहो। नमाज पढ़ना एक एक प्रतिक्रिया होती है, और उसे हम 5 टाइम पढ़ते हैं तो मुंह भी धुलता है, और प्रैक्टिस करते हैं उसको, नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम की, तो उससे जो है मन को शांति मिलती है। क्योंकि आप जानते हैं अच्छी तरह से साहिद भाई कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, और रहमान रहीम बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला मालिक। इसमें कोई ऐसी कोई चीज बताई नहीं जा रही कि भाई जो किसी की किसी का किसी के किसी को गाली दी जा रही हो या किसी को गलत कहा जा रहा हो, ये तो एक गैर इंसान मग़ज़ूबी अपने। अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये जो है हाँ जी, इसका क्या मतलब है? हाँ कि भाई गैरिल मग़दूबी अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जो गुमराह रहे, जो अच्छे काम नहीं करते, बुराइयों में चलते हैं, अब वो कोई भी हो सकता है। बाकी नहीं, इसकी जो कोई भी नहीं हो है सकता ना। गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन जो है, इसकी अगर तफसीर आप पढ़ोगे तो ना के उन लोगों के, यानी सिरात अल्लदीना अनअमता अलैहिम, रास्ते उनके जिन पे तेरा इनाम हुआ, गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन, ना कि उनके उनके जिन पे तेरा गजब हुआ और ना बहके वो का। हाँ, ठीक है, उससे यहूदी और नसारा के बारे में वो डिटेल तो बयान यहाँ की पे तो गई। अल्लाह जो है वो यहूद और नसारा के बारे में, क्रिश्चियन और जूस जी, के बारे में बता रहा है कि अल्लाह का उन पे गजब हुआ। तो मेरे भाई कोई ना कोई तो आइडियोलॉजी, कोई ना कोई मुखालिफ होता ही है एक दूसरे का। आप सपोज करो आपके घर में कोई कोई अच्छा, मुझे एक बात बताओ अहमद साहब, जी आपने कहा कि आपको सेक्स स्लेवरी गलत लग रही है, अनसाइंटिफिक चीजें गलत लग रही है, मुझे एक बात बताओ कि एक किताब जो ये दावा करे कि ये परफेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं, इसमें कोई शक नहीं, अलिफ लाम मीम हाँ हाँ जालिकल जालिम की किताब किताब, ला रैब फी, है जी ना, जी उसमें कोई हाँ शक नहीं। अब हाँ किताब दावा कर रही कोई शक नहीं और उसमें बहुत सारी चीजें शक वाली है, गलतियां हैं, तो ऐसी किताब को आप सही कैसे तो मान सकते हैं? इसको अगर सही नहीं मानोगे तो किस आइडियोलॉजी पे चलोगे, किस मॉरलिटी पे आप चलेंगे, फिर ये सोचेंगे ना। पहले ये तो मानो कि ये इसमें ये तो गलत हो गई, इतना तो कंफर्म हो गया। चलो, मैं आपकी बात को, मैं ये नहीं, इनकार नहीं कर रहा हूं मेरे दोस्त, मैं आपकी बात को इनकार नहीं एक कर बात रहा, बताओ आई मैं अहमद कह रहा साहब, हूं कि ये जो है जीने का एक तरीका है।
अब हर कैसे कोई किसी तरीका है अपने स्लेव मजहब। बनाना? ये कोई जीने का तरीका है? स्लेव बना के उसके साथ डिंगी डिंगी करना, ये कोई अरे जीने मेरे का तरीका ब्रो, है? इस आइडियोलॉजी अभी को सुनो मेरी बात, इस आइडियोलॉजी को जो ना माने उसके साथ लड़ाई करो जब तक के वो जलील होके जिजिया ना दे दे, ये कोई जीने का तरीका सिखा रहा है आपको कुरान? मैं जहां तक मैंने जो अल्लाह देखा को है ना अपने, माने वो हमेशा हमेशा जहन्नम में जलेगा, ये कोई जीने का तरीका है? जो अल्लाह को ना माने दूसरे खुदाओं की पूजा करे वो बदतरीन मखलूक, ये कोई आपको अच्छी सीख दे रहा है कुरान? तो आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या करें फिर, ऐसा मैं क्या ये करें? कहना चाहता हूं कि जो गलत है उसको मानो गलत है और सच की राह को ढूंढो, सच की तलाश करो। ये कहना कि जब तक सच नहीं मिलेगा मैं गलत को नहीं छोड़ूंगा, इससे बड़ी यानी क्या कहते हैं उसको, इससे बड़ी बेवकूफी मेरी नजर में कोई नहीं। नहीं, मैं सच को वाकई जानने की कोशिश कर रहा हूं, जब भी तो आप लोगों से संपर्क में आ रहा हूं। हाँ तो और जो गलत है उसको गलत बोलो, उससे निकल जाओ और सच को तलाश करो। सच को तलाश में लगा हुआ मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप मैं मानते सच हैं की कि आप तलाश। जो मान रहे थे वो गलत है? हाँ, काफी हद तक बहुत सारी चीजें गलत लग रही हैं मुझे, मगर क्योंकि असल में एक बात लोगों को बताओ, डेट कर। आपको एक बात बताओ, आपको शरबत का गिलास में दो बूंद दो कतरा जो है पेशाब का डाल के दे दूं मैं तो पियोगे आप? वो तो नहीं पिया जा सकता क्योंकि उसमें क्या कहते हैं, उसमें पेशाब गिर गया है, तो वो कैसे पिया जा एग्जैक्टली। सकता तो जो बुक अपने आप को वो परफेक्ट है उसमें गलती है, उसको मानना फिर ऐसे ही है कि आप एक ऐसा शराब पीना चाह रहे हो जिसमें दो बूंद जो है वो दो दो कतरा पेशाब का मिला हुआ है। मेरे भाई, सब तो मिलजुल के ही रहना चाहते हैं, मगर ये कुछ जो बातें आप लोग आइडियोलॉजी कर आपको रहे हैं। मिलके रहना नहीं, मिलके रहने नहीं देना चाहते ना। आपकी जो आइडियोलॉजी है वो तो कहती है कि जो काफिर है उसको अपना दोस्त नहीं बनाओ। मगर आपने देखा कि किसी ने दोस्त नहीं बना? आप भी कहीं रहते होंगे, जब आपके भी यार आपके दोस्त अंदर अच्छाई होते है, आपके मौलवी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि काफिरों के साथ दोस्ती ना बनाओ। होंगे। मेरे भाई, बहुत सारे मौलवी चिल्लाते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर नहीं, फिर वो भी अपनी कुरान की यारी बात दोस्ती। बताते हैं। हाँ, वो कुरान हदीस की बताते हैं, मगर इस चीज में जो एज ए ह्यूमैनिटी, मतलब इंसान होते आप हुए जो ह्यूमैनिटी ना, को मान रहे हैं ना कि इस्लाम को? जी, मैं ह्यूमैनिटी को मान रहा हूँ, और उसमें जो इस्लाम जो से बाहर चीजें, निकल गए आप और ह्यूमैनिटी की राह अरे पे चल रहे। वो तो मैं तो चल ही रहा हूं मेरे दोस्त, तो फिर मगर इस्लाम को क्यों अच्छा बताने की कोशिश कर रहे जब आप ह्यूमैनिटी को मान के आप रह रहे हैं, आपके अंदर की जो इंसानियत है उसको आप तरजीह दे रहे हैं, तो ये बेकार सी आइडियोलॉजी का दिफा क्यों कर रहे हो आप? देखो, फैमिली में मेंबर्स होते वो हैं, तो एक बहुत अलग सारे चीज है ना भाई। मैं ये तो नहीं कह रहा कि अपने फैमिली को जाके अभी का अभी बोलो कि भाई ये पेशाब मिला हुआ शरबत है। नहीं, सुनिए, आपका जो अगर जैसे आप बता रहे हैं ना, अगर मैं इस तरीके से बात करूं ना अपनी फैमिली में, रिश्तेदारों में, तो नहीं, मैं फैमिली की बात ही ये नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले आप दिफा करना छोड़ दीजिए कि इसमें अच्छी चीजें हैं, ये है, ये चीज अच्छी नहीं हो सकती, ये वैसी है कि शरबत में पेशाब मिला हुआ, इसको दिफा करना छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको बता सकता हूं कि भाई आप फैमिली के साथ क्या कर सकते हैं, आगे क्या कर सकते हैं। आप जब चलो तक बताइए। इसका दिफा करोगे नहीं, मैं तो आपको ही पकड़ूंगा कि भाई आप भी क्यों दिफा कर रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अच्छी बातें हैं, जैसे कि कुछ अच्छी बातें जो वो प्रैक्टिस में करते हैं, और उसकी क्या तो अच्छी हम बात है लोग जो आपको यार सिर्फ देखो, सुनो एकदम सुनो, 100% सुनो मेरी बात, क्या हाँ ऐसी बात है कि आपको सिर्फ इस्लाम देता है बाकी रिलीजन नहीं दे रहा है? बताओ, जो 5 टाइम की नमाज है वो कौन सा रिलीजन दे रहा है? नमाज में क्या अच्छाई है? उसमें एक जैसे कि, नमाज में आप 1 मिनट आप नमाज पढ़ना हाँ शुरू करते हैं, मान लीजिए कि आप सूरह मोमिनून तक पहुंचते हैं, सूरह जी, मोमिनून में अल्लाह आपको मोमिन होने की सिफत बताता है और कहता है कि आप अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो सिवाय अपनी बीवी और अपनी बांदियों के या अपनी बांदियों के। तो ये आपको नमाज में, तो आप ये पढ़ रहे हैं, ये कोई अच्छी चीज है नमाज? नमाज में आप पढ़ रहे हैं कि काफिर जो है मुशरिक जो है वो हमेशा हमेशा जहन्नम में जलेंगे, ये कोई अच्छी चीज है नमाज? नहीं तो मैं तो ये पढ़ूंगा ना कि वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर,
नहीं इल्ला अल्लाह मतलब ये नाम सूरह मोमिनून आप नहीं पढ़ेंगे, इसको नमाज का हिस्सा कभी नहीं बनाएंगे। नहीं, तो इस तरीके की आयतों को फिर मतलब थोड़ा उसका और वो उस करना और एक पड़ेगा बात बताओ आई अहमद साहब, एक बात बताओ कि एक शख्स है, एक शख्स है वो आपको अच्छा करने का भी कहता है और साथ में आपको रेप करने के लिए भी कहता है, खून करने के लिए कहता है, लड़ाई करने के लिए कहता है, ठीक है, नहीं। क्या आप उसको एक अच्छा शख्स मानोगे? तो उसको क्यों शख्स अच्छा मानेंगे अल्लाह को आप अच्छा मान रहे हैं फिर? नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है। यार। मैं जो जहां तक ये समझता हूँ, मेरा अल्लाह वो वाला नहीं है। मैं हो सकता है मैं दूसरे अल्लाह अल्लाह को मानता हूँ, तो आप जो जो इस्लाम सब को नहीं मान रहे, सबको। एनी विच वेज आप इस्लाम को नहीं मान रहे। हाँ, उस हिसाब से नहीं मान रहा जैसे आप बता रहे हैं कि भाई उस तरीके की बातें हैं उसके अंदर गलत गलत, तो तो उन फिर चीजों को नहीं नमाज मान में रहा। उस अल्लाह की किताब को क्यों पढ़ रहे हैं जो ये सारी चीजें करने के लिए भी कहता है? तो फिर क्या करना चाहिए, अपने अपनी मन की शांति के लिए क्या पढ़ें, हम क्या करें भाई ऐसा। स्पिरिचुअल जो भी आप एक जगह पे ध्यान लगाओ बैठो उस रब को, अगर आप वाकई में मानते हैं कि कोई रब है, कोई माबूद है, कोई ईश्वर है, बैठो अकेले में ध्यान लगाओ। हाँ, इसमें ये तो कोई शक कुरान नहीं। वाले अल्लाह का तरीका और एक ऐसा इंसान जो आपको बांधी रखने के लिए इजाजत देता हो और वो बाकी चीजें करने की यार इजाजत देता हो, जो खुद बच्ची के साथ शादी किया हो, आप उसके तरीके से क्यों अपने रब को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। साहिल भाई, आप इतने वाकई बहुत विद्वान आदमी हो और पढ़े लिखे भी हो, तो आपने क्या कहते हैं, आप जो है आप भी तो मुस्लिम रह चुके होगे, जब एक्स मुस्लिम हुए तो आप उस टाइम में आपने गौर नहीं किया था क्या, अब जाके किया है अभी 1-2 साल में। नहीं गौर किया था ना, क्योंकि नहीं गौर किया था, क्यों? क्योंकि जब हम मुसलमान रहते हैं तो हमें बचपन से ये दिमाग में डाला जाता है कि अल्लाह ही सही, अल्लाह वाला, ये एक खुदा जो है वो अल्लाह ही है, रसूलुल्लाह जो कहे वही सच है, रसूलुल्लाह जो है दुनिया के बेहतरीन इंसान है। जब आदमी को बचपन से यही डाला जाता है तो इस वजह से वो उसको सही मानता है। जब हमने अपना दिमाग लगाया, गौरव फिकर किया, जब हमने देखा भाई ये तो पागल बनाना है, तो हम बेवकूफ बन के थोड़ी ना रह सकते, हम निकल गए। आप क्यों अच्छा उस बेवकूफी में पड़े हो और उसकी उसका दिफा कर रहे हो? आपको ऐसा तरीका उस रब को ढूंढने का क्यों चाहिए जो कि एक ऐसे शख्स से मिला है जो कि जिनके कैरेक्टर के ऊपर 1000 सवाल उठे? आप कोई भी दूसरा उसको तरीका अपना लो, जाओ पहाड़ के पास, जाओ 2 घंटा बैठो, कोई समंदर के पास जाओ 2 घंटा, 1 घंटा बैठो, ध्यान लगाओ और वो आवाज लगाओ उस खुदा को। नहीं, कह तो आप सही रहे हैं, मगर काफी, क्योंकि अब इस तरह की बातें अगर मैं कुछ करता नहीं हूं या कुछ फैमिली देखती थी कि भाई फिर ये फैमिली पागल पे है, आ गए, पहले आप अपना तो मामला क्लियर कर मैं वही लीजिए, वही फिर मैं अपन अपना फैमिली पे अपने बात करते हैं। मेरे दोस्त मैं यही बताना चाह रहा हूँ अभी, 1 मिनट थोड़ा सा मुझे करने दो बात। आप निकल गए इसमें तो से तो फिर फैमिली की बात बताइएगा, तब तक मत बताइएगा। हाँ, तो समझो कि अगर मैं निकल गया। समझो नहीं, पहले निकलो और उसके बाद फिर जो आपके इश्यूज है उस पे हम बात करेंगे। जी हाँ, मैं इशू आपको एक एग्जांपल तो दे सकता हूँ ना, आप एग्जांपल नहीं दीजिए। मानेंगे। हाँ, तो सपोज करो कि भाई एक जो है फैमिली वाले देख रहे थे कि भी पांच पांच वक्त की नमाज अगला पढ़ रहा है, और अचानक ये इसको हुआ क्या कि ये कभी पढ़ता है कभी नहीं, और फिर ऐसी ऐसी बातें करने लगा है, कभी बातें मोहम्मद करने के साहब लिए कह किसने कर कहा आपको? हो जाती है जबान से बाहर, संभालो अपनी अपने जबान को। अहली अहलिया नहीं, बाहर नहीं, अहलिया से तो बात हो जाती है कभी कभी। नहीं अब करना है वो स्टार्टिंग में, पहले जी आप अपने आप को एकदम फिक्स कर लो कि भाई मैं ऐसी बेकार आइडियोलॉजी का कोई भी तरीका नहीं अपनाऊंगा। अब उसके बाद ठीक आपको देखना है कि किस तरीके से आप इसको बिना अपनाए आप रह सकते हैं। नमाजें आप पढ़ते थे, आहिस्ते आहिस्ते कम कर दो, कोई नहीं पूछता क्यों, हम इंडिया में रहते हैं हाँ, ये तो भाई, है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मूड नहीं हो रहा, बस खत्म। उसके बाद देखो आहिस्ते आहिस्ते जो आपकी वाइफ है उसको एक एक चीजें, जो जो गलत चीजें है वो एक एक चीजें बताओ, देखो निकलती है नहीं निकलती है, नहीं निकलती है या फिर आपको ऐसा डर है कि छोड़ देगी तो मत बताओ उसको, आप निकल जाओ, अपने बच्चों को निकालो उसमें से आहिस्ते आहिस्ते, फिर आपकी वाइफ खुद आ जाएगी आपके पास।
ये सब करो। आपको ये थोड़ी ना है कि आपने गलत इस गलत मान लिया, अब इसको फॉलो नहीं कर रहे तो लेके ढोल लेके आप जो है पूरे घर में और मोहल्ले में बजा रहे हैं, मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, इसमें ये प्रॉब्लम है। तो भाई पहले खुद एकदम अच्छे तरीके से निकलो, हालात को समझो, देखो, और उसके बाद फिर किसी को बताना है तो बताओ। सबसे पहला मसला तो आपका खुद का है कि आप क्यों मान रहे हैं इस बेकार सी आइडियोलॉजी को। बात की बात तो जी बाद में आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात तो अहमद साहब फिर क्या आप और वक्त आपको चाहिए, या अभी 4,000 लोग देख रहे हैं आपको, आप एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं बाकी लोगों के लिए अगर आप लाइव में, क्योंकि अगर बोलते हैं तो बहुत सारे लोग जो है हो सकता है आपकी तरह हो, तो उनके लिए इंस्पिरेशन आप बन सकते हो अगर आप आज लाइव इस कल्ट को छोड़ोगे, तो बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो जाओ। मैं इतना कहूंगा कि इसको मेरे इस बात को इसे इसे जो है आप बैकग्राउंड में रहने दीजिए और ओपन मत कीजिए, बस ठीक है इतना ही काफी नहीं, है। बैकग्राउंड में ही है ना, आपकी शक्ल तो है नहीं। नहीं, इसको उजागर मत कीजिए, बस इतना ही। आप लाइव में हैं, मैं एक बता देता हूं, बाद में आके मुझे मैसेज नहीं करिएगा कि मेरा ये पार्ट निकाल दो, आप अपने कंसेंट के साथ जुड़े हैं। जी, तो मेरे जो है मेरे ऐसा कोई रिकॉर्डिंग मत कीजिएगा, बस मैं ये कहूंगा। अरे आप और लाइव है भाई, रिकॉर्ड मोमिन होने का नहीं, सबूत दे रहे हो आप। आप लोग जो है ना, मतलब थोड़ा सा वो उसका वो बना करके जो है ना, थोड़ा सा कटिंग आप वो कर देते हैं ना, कटिंग तो नहीं भी अच्छा डालेंगे तो लाखों लोग देखेंगे, क्योंकि आप दूसरे तीसरे कॉलर है। अच्छा कोई जी बात नहीं, थैंक यू, बहुत मेहरबानी, चलिए आपने लिया मुझे, जी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।